अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क एड्रेस और नीड फॉर एड्रेसिंग, राइट? के व्हाट इज़ द नेटवर्क एड्रेस, व्हाई वी नीड द एड्रेसिंग इन द डाटा कम्युनिकेशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा क्या कंप्यूटर नेटवर्क, राइट? कि नेटवर्क कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। हमारी ईमेल्स जाती हैं, पिक्चर्स जाती हैं, चैट्स होती हैं, ऑल जो है वो इसके ऊपर अकर होता है, राइट? उसमें हमने OSI मॉडल देखा था, OSI मॉडल की लेयर्स देखी थी। लेयर्स के बाद हमने प्रोटोकॉल्स इसमें पढ़े कि FTP क्या होता है, क्या काम है, SMTP जो है वो क्या होता है, ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट, और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये किन किन लेयर्स के ऊपर होते हैं, राइट? ये हमने लेयर्स पढ़ी और इनके ऊपर इनके प्रोटोकॉल्स पढ़े। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आज हम ये देखेंगे कि जो नेटवर्क एड्रेस होता है, बल्कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एनिमेशन भी दिखाई थी कि हाउ द डेटा पैकेट्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ड्यूरिंग ऑल द जर्नी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, राइट? तो उसमें जो है वो एड्रेस आपने देखा था कि एड्रेस कैसे उसके ऊपर सेंडर का और रिसीवर का लगता है, और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच के वो एड्रेस जो है जब वो सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है, राइट, तो वो एड्रेसिंग वगैरह उसके ऊपर से हटा के और उसको रीयूज़ करता है उन्हीं पैकेट्स को, ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे कि व्हाई वी नीड टू एड्रेसिंग इन द डाटा कम्युनिकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे और मैपिंग देखेंगे विद रियल लाइफ एग्जाम्पल, लाइक टेलीफोन एड्रेसिंग, जैसे आप टेलीफोन कॉल मिलाते हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मैपिंग कैसे होती है नेटवर्क एड्रेसिंग के अंदर। तो अगर अभी तक आपने जो है वो चैनल को CS BY SAM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो है हमारा लेक्चर सबसे पहले पहुंचे। आपको बहुत ईजी जो है वो लैंग्वेज में समझाया जाता है विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। तमाम क्लासेस के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए 6 से लेके और सेकेंड ईयर तक क्लासेस जो कंप्यूटर की हैं वो इसके ऊपर ऑल प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे आप इसको जो है ऑल प्लेलिस्ट करके और उसमें 6th, 7th, 8th, 9th, 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेक्चर्स जो हैं वहाँ पे ले सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं नीड फॉर एड्रेसिंग। अ पैकेट इज द यूनिट ऑफ डेटा सेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, राइट? के पैकेट क्या है? एक डाटा यूनिट है जो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजा जाता है। इट रिक्वायर्स इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस, और ऑब्वियसली इसको डेस्टिनेशन का एड्रेस चाहिए होगा जहां पे इस पैकेट ने जो है वो जाना है, जहां हमने इसको सेंड किया। जस्ट लाइक वी राइट एड्रेस ऑन एन एनवेलप वाइल सेंडिंग अ लेटर, यानी सेम उसी तरह से जैसे हम अपना कोई लेटर सेंड करते हैं और वहां पे एड्रेस लिखते हैं कि किस एड्रेस पे ये लेटर जाना चाहिए, तो नेटवर्किंग में भी सेम यही रूल होता है। एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइड एक्सेप्ट पैकेट्स एंड असेंबल्स देम टू शो अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, यानी आपको लास्ट टाइम जो वीडियो दिखाई थी, एनिमेशन वीडियो, कि कैसे पैकेट जो है वो ट्रेवल करता है, सेंडर साइड से चलता है, राइट, वहां पे एड्रेसिंग होती है और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचता है अपना एड्रेस लेके, ठीक है जी, और वो पैकेट्स में डिवाइड होके जो है इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक। तो जब डेस्टिनेशन साइट पे पहुंचता है तो वो तमाम पैकेट्स को एक मैसेज के तमाम पैकेट्स को असेंबल करता है, जोड़ता है, ताकि एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन जाए। इफ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट अ पैकेट, कि अगर वहां पे एक से ज्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो रेडी हों उस पैकेट को एक्सेप्ट करने के लिए, देन अ नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर डिस्टिंग्विश द टारगेट एप्लीकेशन फ्रॉम द अदर एप्लीकेशन। तो फिर क्या है कि उस पैकेट पे उस पोर्ट का नंबर भी मेंशन होता है। आपको मैं एनिमेशन वीडियो में देखा था कि उस पे पोर्ट्स थी, पोर्ट्स आपने देखी थी, एक 25, एक 28 थी, ठीक है जी, बाकी और भी पोर्ट्स थी, लेकिन बाकी पोर्ट्स जो है वो क्लोज थी, ठीक। जिस पोर्ट ने रिसीव करना था, जिसका जिस पोर्ट का स्पेसिफिक मैसेज था, वो सिर्फ वो पोर्ट्स ओपन थी 25 और 80। तो जो भी डाटा था 25 और 80 पोर्ट नंबर का, उसमें जो है वो एंटर हो रहा था, लेकिन बाकी पोर्ट्स बंद होने की वजह से उनके साथ जो है वो क्रैश हो जाता था टकराने के बाद, ठीक। यहाँ पे ये वही बात कर रहे हैं कि देन अ नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर डिस्टिंग्विश द टारगेटेड एप्लीकेशन
फ्रॉम द अदर एप्लीकेशन, यानी अदर एप्लीकेशन के पास वो ना जाए, इसलिए जो है वो स्पेसिफिक पोर्ट नंबर भी उसके ऊपर लिखा हुआ होता है. सो प्रॉपर एड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलायबल डाटा ट्रांसफर. इसलिए हम जो एड्रेसिंग, हमारा जो नेटवर्क है जो एड्रेसिंग करता है वो बहुत रिलायबल होनी चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई लेटर सेंड करते हैं, हमें हाउस नंबर, हम एग्जैक्टली वही हाउस नंबर लिखते हैं जहां पे हमने लेटर को सेंड करना होता है. अगर हम हाउस नंबर ना लिखें, सिर्फ वहां स्ट्रीट नंबर और जो है कॉलोनी का नाम लिख दें, सिटी का नाम लिख दें, कंट्री का नाम लिख दें, तो क्या है कि वो वहां उस स्ट्रीट तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक घर का नंबर तो नहीं पता होगा ना. फिर वो स्ट्रीट के जितने भी लोग होंगे वहां से पूछेगा, जिसके नाम का वो लेटर होगा, कि जी इस नाम का बंदा जो है वो किस घर में रहता है, राइट. तो यही हिसाब जो है वो नेटवर्किंग में होता है कि अगर उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर एड्रेस ना लिखा हो तो फिर जो है वो अपने सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता. आपने देखा होगा उस वीडियो के अंदर के कुछ पैकेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो रहे थे रास्ते में. उनकी बहुत सी रीजंस होती हैं, उनमें से एक रीजन ये भी हो सकती है कि उसकी प्रॉपर एड्रेसिंग ना हो, या प्रॉपर जो है उसकी असेंबलिंग ना हो, प्रॉपर उसकी डिवीजन ना हो, ठीक है जी. इसके अलावा या प्रॉपर जो है वो नेटवर्क पे भेजा ना गया हो, ठीक है जी. ये रीजंस होती हैं उसके डिस्ट्रॉय होने की. उसके बाद हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है डाटा कम्युनिकेशन में उस एड्रेसिंग की. बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है जी. वही बात आ गई कि किसी भी मैसेज को सेंड करने से पहले सोर्स को, यानी सेंडर को पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है. डिवाइसेज ऑन अ नेटवर्क नीड एड्रेसेस, जो डिवाइसेज होती हैं नेटवर्क के ऊपर उनको एड्रेसेस की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए. उसको जाहिर एड्रेस नहीं पता होगा तो उसको कौन क्या पता चलेगा. अगर 10 कंप्यूटर्स का कनेक्शन है तो उसमें तो फिर भी पता चल सकता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम बात करते हैं तो वहां पे तो मिलियंस बिलियंस में जो है वो कनेक्शन हो रहे होते हैं. तो जब तक प्रॉपर एड्रेसिंग नहीं होती तो डेस्टिनेशन की, तब तक उसको नहीं पता चलता पैकेट को कि उसने कहां जाना है. सो गिविंग एन एड्रेस टू अ मैसेज इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है जी. तो फर्स्ट स्टेप क्या है डाटा कम्युनिकेशन में, सबसे पहले स्टेप क्या है कि उसको एड्रेस देना, डेस्टिनेशन का एड्रेस देना. एंड द सेकेंड स्टेप इज टू ट्रांसमिट द पैकेट टू इट्स इंटेंडेड रेसिपिएंट, और सेकेंड स्टेप आता है कि वो अपने रेसिपिएंट की तरफ भेजा जाता है. जाहिर जब तक उसके ऊपर एड्रेस ही नहीं होगा उसको क्या पता होगा नेटवर्क को कि इस पैकेट ने जो है वो कहां पे जाके लैंड करना है, राइट. उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेसिंग होगी तो नेटवर्क को पता होगा और वो फौरी तौर पे उसको ट्रांसमिट कर देता है. और कुछ बच्चों ने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन किया था कि ये सेकंड्स में काम होता है उस एनिमेशन को देख के, तो बच्चों ये सेकंड्स की बजाय सेकंड के भी हजारवें हिस्से में, राइट, काम होता है. इतनी फ्रिक्वेंटली काम होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि इतना कुछ जो है वो ड्यूरिंग देयर ट्रेवल जो है वो अक्कर हो जाता है. उसके बाद हम इसको मैप करते हैं अपनी डेली लाइफ की एग्जाम्पल से इस नेटवर्क के एड्रेसिंग को, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए. सपोज यू वांट टू मेक अ कॉल टू योर फ्रेंड, बिफोर कॉलिंग यू नीड टू नो एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस. जाहिर है हमने अपने फ्रेंड को कॉल करनी हो तो हमें उसका फोन नंबर पता होना चाहिए ना. फोन नंबर पता होगा तो हम कॉल करेंगे. ऑन द इंटरनेट द टेलीफोन नंबर कॉरिस्पॉन्ड्स टू एन आईपी एड्रेस, और इंटरनेट के ऊपर यही जो हम, जैसे हमने टेलीफोन नंबर की एग्जांपल ली है, यही टेलीफोन नंबर जो है वो उसका आईपी एड्रेस होता है. अगर हम नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क के ऊपर कोई मैसेज हमने सेंड करना हो, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. लाइक अ टेलीफोन नंबर ऑल आईपी एड्रेसेस आर यूनिक, जिस तरह से टेलीफोन नंबर हर शख्स का यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, इसी तरह से ऑल आईपी एड्रेसेस जो हैं वो भी यूनिक होते हैं. ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन यूनिक आईपी एड्रेस, हर डिवाइस अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस रखती है. व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है. इफ एन आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस इज फिक्स्ड इन द नेटवर्क, अगर आईपी एड्रेस डिवाइस का फिक्स कर दिया जाए नेटवर्क के अंदर, इट इज कॉल्ड स्टैटिक आईपी एड्रेस. उसको क्या कहा जाता है, स्टैटिक. स्टैटिक मीन कि वो कभी भी चेंज नहीं होता. अगर आप उसको फिक्स कर दें, परमानेंट कर दें, तो जब भी आपका सिस्टम जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा तो क्या होगा, उसका आईपी जो है वो ही रहेगा सेम.
ठीक है जी। लेकिन अगर आप उसको स्टैटिक नहीं रखना चाहते, अदरवाइज इट इफ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज मेड, कि हर दफा जब भी आप नेटवर्क से कनेक्ट हो, अ न्यू आईपी एड्रेस इज असाइन, तो न्यू आईपी एड्रेस जो असाइन होगा इट इज कॉल्ड द डायनामिक आईपी एड्रेसिंग, और हर दफा कनेक्ट होने पे जो न्यू एड्रेस मिलता है दैट इज कॉल्ड डायनामिक आईपी एड्रेसिंग। ठीक है बच्चों, इसमें स्टैटिक आईपी एड्रेस की डेफिनेशन आ गई और जो है वो डायनामिक आईपी एड्रेस की डेफिनेशन आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टॉपिक में से आपने करना क्या क्या है। नीड ऑफ एड्रेसिंग में इसका जो है पूरा पैराग्राफ ये आ जाएगा, दिस वन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, नीड फॉर एड्रेसिंग, कि व्हाई वी नीड फॉर एड्रेसिंग इन द डेटा कम्युनिकेशन, तो अगर लॉन्ग में आएगा तो पूरा टॉपिक आप लिखेंगे नीड फॉर एड्रेसिंग से लेके और जहां तक हमने आज जो है वो रीड किया आईपी एड्रेसेस तक, राइट, के मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसेस एंड नेटवर्क एड्रेसेस। और अगर आपको शॉर्ट में आता है तो ये हर टॉपिक जो है वो डिफरेंट शॉर्ट तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाई वी नीड एड्रेसिंग, तो आपने ये पैराग्राफ लिख के आपने एंड कर देना है। और अगर आपको आए जी इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन, फिर आपने जो है वो ये पैराग्राफ लिखना है, इसकी 3.5 लाइन्स हैं ऑलमोस्ट, यही आपने कर लेनी है। उसके बाद मैपिंग एज एन एग्जाम्पल है इसके अंदर, राइट। आपसे ये भी अलहदा से भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ डू यू मैप द टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग, या आप इसको जो है नीड फॉर एड्रेसिंग में एज एन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपने जो है वो टॉपिक पूरा तैयार करना है। और अगर आपको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैंने लास्ट लेक्चर में, इससे जो पहले लेक्चर था, उसमें जो है पूरी एनिमेशन दिखाई गई थी। ये मैं आपको उसका, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसका टाइटल है TCP/IP मॉडल, हाउ TCP/IP मॉडल फॉर एनिमेशन ऑफ TCP/IP मॉडल एट CS/SAM। इसको आप YouTube चैनल CS/SAM के प्लेलिस्ट में, 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जो है वो आप देख भी सकते हैं। इस लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ, राइट। वहां से भी आप क्लिक करके लास्ट लेक्चर ओपन कर सकते हैं और इसकी एनिमेशन देख सकते हैं जिसने लास्ट लेक्चर में मिस की है, कि कैसे एक पैकेट जो है वो सेंडर साइड से चलता है और रिसीवर तक पहुंचता है, और बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म होते हैं, एड्रेसिंग कैसे होती है, राउटर उसको जो है वो किस तरीके से वॉच आउट करता है, एड्रेस कैसे लेता है, कैसे सेंड करता है, राइट। तो वो सारी चीजें जो है उसमें बहुत डिटेल से एनिमेशन जो है वो करके दिखाई गई है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। और अगर किसी को जो है वो कोई क्वेश्चन है इस स्ट्रक्चर के मुतालिक, कोई कंफ्यूजन है, राइट, तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, वहीं पे मैं आपको जो है वो आंसर कर दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से जो है वो इस चैनल पे समझाया जाता है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। और इसकी 10th की खास तौर पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कराई जाती है, प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर 10th कर रहा है कंप्यूटर के साथ, तो उसको ज़रूर बताइएगा, उसके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।